हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे केमिकल सेक्टर के ऊपर बड़ी खबर निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते कुछ शेयरों में बढ़िया तेज़ी है, परंतु कुछ शेयरों में यहाँ पे गिरावट की सिचुएशन है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे केमिकल सेक्टर और केमिकल के स्टॉक्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के साथ डेफिनेटली बने रहे। सबसे पहले बात करें तो केमिकल सेक्टर का जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है, जिसके चलते चलते केमिकल स्टॉक आज फोकस में थे। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, यहाँ पे मॉर्गन स्टेनली की तरफ से इस सेक्टर का जो अनुमान है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बताया गया है। यहाँ पे मार्केट के 2 गुने होने की संभावना है कुछ शेयरों की, ऐसा यहाँ पे मॉर्गन स्टेनली का बयान है, जैसे कि टाटा केमिकल, जिसके चलते इसमें बढ़िया तेज़ी यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे। आगे बात करें तो भारतीय केमिकल्स कंपनियों का क्षमता विस्तार फोकस भी रहेगा, ऐसा भी यहाँ पे उनकी तरफ से बोला गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि फिक्स एसेट का करीब 20% क्षमता विस्तार में निवेश संभव है, मतलब कि केपेक्स की यहाँ पे जो बातें करी जा रही है कंपनी के द्वारा, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती हुई दिखाई दे रही है इन शेयरों में। चीन के बाद यहाँ पे यूरोप के साथ भी कंपनियों को फायदा होता हुआ दिखाई देगा, और उनके यहाँ पे देशों में भी कंपनी का कारोबार है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा भी ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है। जिसके चलते ग्लोबल में जिस कंपनियों की यहाँ पे एक्सपोजर है उनकी गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती हुई नज़र आ रही है। तो बात करें मॉर्गन स्टेनली की तरफ से, तो टाटा केमिकल्स के ऊपर यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग है, 850 का लक्ष्य था वो बढ़ा करके 1319 का किया है। इसके अलावा बात करूँ तो नवीन फ्लोरिन में भी मॉर्गन स्टेनली बुलिश है, यहाँ पे 4562 जो टारगेट दिया था उसको बढ़ा करके 5358 ओवरवेट की रेटिंग के साथ दिया है। यहाँ पे एसआर के ऊपर भी यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, 2757 का टारगेट था, अभी 3571 के आसपास के टारगेट उनकी तरफ से दिए गए हैं। हालांकि कुछ कंपनियाँ हैं जिसके मार्जिन में प्रेशर बना रह सकता है, ऐसा उनका मानना है, जिसके चलते एक डाउनग्रेडिंग भी हुई है और स्टॉक्स में इसके चलते गिरावट भी आई है। जैसे कि दीपक नाइट्राइट की बात करें तो लक्ष्य 1915 से घटा करके 1732 करा है, अंडरवेट की रेटिंग, और साथ ही साथ आरती इंडस्ट्री जैसे शेयरों में भी डाउनग्रेड हुई है, जो लक्ष्य था 957 का वो घटा करके 685 के आसपास करा गया है। डेफिनेटली इन शेयरों पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। तो बड़ी खबर थी यहाँ पे केमिकल स्टॉक के ऊपर, जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी। मिलते हैं अगले क्वार्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।